वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ गेमिंग। और गेमिंग के अंदर आज हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5 दोबारा से। और भाई साहब, मैं पहले कुछ ही दिन पहले GTA 5 की सेकंड एपिसोड डाल दी थी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो हम पे भाई हमारा एक प्यारा दोस्त सिमियन है, जो कि एक भाई बहुत ही बड़े डीलरशिप का मालिक है, और भाई वो हमारा दोस्त बन चुका है, अब जाके दोस्त बना है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे दोस्ती करके। एंड भाई वो हमें मिशंस भी देता है, एंड मिशन करने के बाद हम लोगों को यानी लोगों को पकड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बहुत सारे मिशंस उसने अभी दिए भी हमें। एंड लास्ट वाली एपिसोड में हम लोगों की फ़ाइट हुई थी वेगोस गैंग के बंदों से, यानी हमें सिमियन ने बोला था भाई उनके अड्डे पर जाओ और भाई उनको ख़त्म कर दो। यानी हम लोग एक चीज़ फाइंड करने गए थे, लेकिन एंड में हमारे ऊपर अटैक हो गया था वेगोस गैंग का, और वेगोस गैंग ने भाई हमें भी मारा, हमने भी उनको मारा, लेकिन एंड में उनका भाई जो मेन लीडर था वो हमारी बाइक पर भाग चुका था। एंड तो हम लोग, मैंने और लमार उसके पीछे भागे, एंड हम लोगों ने उसको पकड़ा, लेकिन फिर भी वो भाग गया। तो वो भाग गया वापस, मैं सिमियन के पास गया और सिमियन ने मुझे गुड बोला और बोला कि भाई तुम अच्छे प्लेयर बन सकते हो, तुम अच्छा खेल रहे हो। तो चलो यार, अभी हम लोग ना गेम के अंदर चलते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस, हम लोग ना गेम के अंदर आ चुके हैं, और हमारा है ये फ्रैंकलिन का घर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। भाई फ्रैंकलिन का है तो इतना बड़ा घर नहीं, लेकिन भाई हमारे पास, चलो घर तो है ना, एंड हमारे पास, मैंने चेकआउट किया है, हमारे पास 5 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं ब्रो। यानी 5 लाख रुपए भी पड़े हुए तो अच्छा खासा अमाउंट होता है, 5 लाख भी कम थोड़ी है। तो यार अभी ना मैंने सोचा है कि भाई अभी आज कोई मिशन करें या क्या करें, तो मैंने सोचा है कि भाई आज चलते हैं सिमियन के पास, एंड सिमियन से पूछते। या तो यार आज ना मैं ना बहुत ही ज़्यादा ना मूड में आया हूँ कि भाई कोई अच्छी सी गाड़ी चोरी करूँ, यानी कोई अच्छी सी अगर गाड़ी मिल जाए ना अपने को भाई, फिर तो मज़ा आ जाएगा। यानी अब मुझे ना एक स्पोर्ट्स कार, सुपर कार एक अच्छी सी चाहिए। तो अभी मैं ना भाई घूमूंगा शहर में, क्या पता भाई किस्मत हुई तो फरारी, लैम्बोर्गिनी या कुछ ना कुछ तो भाई मिल ही जाएगा मुझे। खैर मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ अभी, भाई जल्दी जल्दी से भगाता हूँ, एंड मुझे पता है नॉर्मली यहीं कहीं मिल जाएगी, ठीक है, यहीं कहीं मिल जाएगी चलती फिरती, लेकिन भाई ऐसे नॉर्मली तो नहीं मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी, और ढूंढने में मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन भाई चलो गाड़ी लेनी है तो ढूंढनी तो पड़ेगी। आज मैं सिमियन के पास भी जाता हूँ, क्या पता कुछ नया कुछ मिशन विशन दे। और गाड़ी देखते देखते अगर नहीं मिली तो भाई मैं जाऊँगा पहले तो गन्स ख़रीदने, क्योंकि गन्स ख़रीद ली ना एक दफ़ा फिर तो भाई साहब वैसे पूरे शहर में ना मैं शोर मचा के रख दूँगा। तो गन्स की दुकान भी यहीं पे, ये सिमियन के शोरूम के पास ही, आगे मैक में दिखा रही। भाई ये ट्रक वाला अंधा है क्या भाई, नज़र नहीं आ रहा कि इसको। खैर गन्स वाले के पास भी आई थिंक हम लोग ना पहुँच चुके, रिवर्स थोड़ी सी कर लेते, एंड यहाँ से ही अंदर हम लोगों को शायद गन्स मिल जानी तो चाहिए। एक दफ़ा बाहर निकलते शायद मिल जाए, शायद। भाई साहब बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी यार। गन्स का आइकन मुझे नीचे शो हो रहा है। ओ भाई सही में भाई गन्स मिल रही है यहाँ पे तो। भाई बता भाई तू क्या बेच रहा है, जल्दी बता भाई। इधर तो भाई एक से एक बढ़ के गन है, गने वने कैसे खरीदते हैं। अरे अरे लामार को कॉल लग गया। अरे 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 काट 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 काट। अरे इसको बंद करो भाई, इसको बंद करो। तो भाई ये क्या क्या बेच रहा है, ये क्या है भाई, मुझे कोई हैवी गन दिखा भाई, हैवी गन। ये गन रेड वन रेड भाई, इससे मैं नहीं काम चलाता भाई, कोई हैवी गन दिखाओ यार, कोई हैवी गन ही नहीं है क्या इसके पास। ओ भाई 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 आउट ऑफ स्टॉक यार, आउट ऑफ स्टॉक है इसके पास तो। एक मिनट, अगर मैं नीचे वाली गन लेना चाहूँ तो वाई पे अगर मैं करूँ तो क्या मैं ख़रीद सकता हूँ ये बाय ए से बाय, दिस आइटम इज़ करेंटली अनअवेलेबल। भाई सब आउट ऑफ स्टॉक है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। एक मिनट, ये मिल रही है भाई, ये ख़रीदते हैं भाई साहब, परचेज हो चुकी है। एंड इसके पास और क्या क्या है, बैक करते हैं और भी गन्स खरीदते हैं।
ये वाली कौन सी है? अगली यार, अगली पे तो चले जा। अरे अरे पीछे पीछे, हाँ ये वाली, ये आउट ऑफ स्टॉक है। व्हाट द हैक, ऊपर वाली, ऊपर वाली। हाँ अरे भाई, ये तो इतनी सस्ती सस्ती हैं। ये तो भाई ये आराम से ख़रीद लूँगा मैं, ये सारी सस्ती सस्ती गन्स हैं। तो भाई अब ये वाली ख़रीदते हैं। ये भी ख़रीद ली, गुड ब्रो गुड, सब कुछ ख़रीद लिया मैंने, जो कुछ मैं ख़रीद सकता था। लेकिन ये चीज़ें नहीं भाई, ये चीज़ें नहीं। और क्या कोई गन इसके पास अच्छी है? एक मिनट भाई, और भी चेकआउट करते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। खैर भाई मैंने ना गन्स ख़रीद ली हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो चुकी है। एंड मेरा नेट इस वक्त थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा है, लेकिन भाई जो गन्स जो ख़रीदी है ना, एंड मैं तो चाहता हूँ गन्स इसी पर टेस्ट करूँ भाई। मैं ये गन्स ख़रीद के भाई थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है बोलते हैं। एंड अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि भाई क्या ये एक्चुअली में वर्क करता भी है, क्योंकि भाई अगर वर्क नहीं किया ना फिर तो भाई एवं फालतू में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। यार ये वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। मैंने अपनी गन निकाल दी है। एंड ब्रो अब मैं इस पर एक शूट तो करना चाहता हूँ। रोक गाड़ी, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, मार मारो 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 मारो, इस बंदे को मारना है भाई, इस बंदे को मारना है, वरना जाके पुलिस में एवं खावा खा बोलेगा। खैर भाई गन वन ना मैं अंदर ही रख लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना भाई। हट जा हट जा हट जा। अबे गन कैसे हटेगी यार? एक तो ये, एक तो नया दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। गन हट गई, गन हट गई, गन हट गई। भाई साहब जल्दी से ना छलांग मारता हूँ एंड भाई गाड़ी में बैठते हैं चल के। एंड अब भाई मैं जा रहा हूँ सिमियन के घर पे, सिमियन के घर पे नहीं यानी शोरूम पे, घर पे क्यों जाऊँगा। तो भाई पीछे से जाते सर्विसिंग एरिया से, एंड यहाँ पर तो भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। एंड भाई आज जाके पूछता हूँ भाई सिमियन से, कोई नई गाड़ी वाड़ी है क्या इसके पास? वैसे तो मुश्किल ही है, लेकिन भाई चलते हैं सिमियन के पास। शायद इधर से गैराज ने भी फ़िलहाल को बंद किया हुआ है, सामने वाली साइड से चलते हैं। अबे भाई भाई कहाँ जा रहे हैं यार? इसमें एक तो लैग कभी कभार शुरू हो जाता है तो फिर बंद नहीं होता। तो भाई जल्दी जल्दी सिमियन के शोरूम के अंदर चलते हैं, क्या पता मैं जा भी पाऊँ कि नहीं। जा तो पाऊँगा यार, मेरा दोस्त है भाई, खोले रखेगा। नहीं यार ये तो चीटिंग हो रही है भाई, खोल दे सिमियन, नाक नहीं कटवाना यार सिमियन भाई। मैं भी तो बोलूं कि भाई मेरे शोरूम, मेरे दोस्त का शोरूम है। ओ भाई सिमियन क्या हालचाल है इनकी, भाई बात सुन के मैं आप लोगों से मिलता हूँ। भाई साहब अभी तो मैंने सिमियन से बात की है एंड ये बंदा पता है क्या बोल रहा है? ये बंदा बोल रहा है कि भाई तू जा एक बंदे के घर पे, या पता नहीं मुझे सही तरह स्टोरी समझ नहीं आई है, लेकिन इस बंदे ने जितना बोला है ना, इस बंदे ने बोला कि भाई जा और उस उधर से एक गाड़ी लेकर आ, लेकिन अच्छी कंडीशन में लाना भाई, यानी जैसे मैं चलाता हूँ ना गाड़ी उस तरह से नहीं लानी है। तो भाई जो बंदे ने बोला है वो तो ज़ाहिर करना पड़ेगा, दोस्त है इसके साथ हम लोग काम करते हैं डीलरशिप पे, तो ये तो ज़ाहिर बातें करना पड़ेगा। जल्दी से भगाते हैं, ये कौन सी मेरी अपनी गाड़ी है, किसी और की गाड़ी है, लेकिन गाड़ी अच्छी है ब्रो, गाड़ी कोई लग्जरी गाड़ी लग रही है। लेकिन भाई जल्दी से हम लोग ना भगाते भगाते ना जहाँ सिमियन ने बोला है वहाँ पे ना हम लोग ना चलते फटाफट से। भाई साहब अभी अभी सिमियन से बात हुई है एंड भाई वो बोल रहा है कि भाई जो उस घर का गैराज है ना भाई तूने, और मैं घर के पास पहुँचने भी वाला हूँ, वो बोल रहा है कि जो घर का गैराज है ना भाई उसकी चाबी तुझे घर के अंदर से मिलेगी, तो भाई तूने ना जाके उस घर के अंदर से। लेकिन एक सेकेंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? ये तो माइकल का घर है, ये तो माइकल का घर है, क्या हमें इसके घर से चोरी वोरी करनी है क्या? भाई साहब आई डोंट नो। खैर हम लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं एंड शायद मैं इधर से जंप कर पाऊँ। भाई ये क्या हो गया? खैर यहाँ से भागते भागते मैं चलता हूँ उस गेट से अंदर चलता हूँ। भाई साहब यहाँ पे ना इसका, इस बंदे का, माइकल का गार्डनर घूम रहा है एंड भाई मुझे ना इसको मारना है, ठीक है ना, और चुपचाप से मारना है। सो भाई मैं इसको ना भागता हूँ एंड ये मैंने इसको ये मार दिया, ठीक है, इसको भाई इसको ख़त्म करना है, ठीक है, इसको भाई फुल तरीके से इसको मार देना है ताकि इसके पास किसी को कान खान खबर भी ना हो, वरना भाई ये उठ के बता देगा, आई थिंक ये मर ही गया होगा। ठीक तो भाई मुझे ना घर के अंदर जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मरा नहीं है ये, अच्छा मर गया मर गया, ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा है कि मरा नहीं है। खैर अब मुझे क्या करना है?
एक मिनट भाई इसके ऊपर से छलांग मारते हैं। एंड भाई जल्दी से मैं चेकआउट करता हूँ, क्या पता गाड़ी अंदर गैराज में हो। भाई गैराज नहीं, ओ यस, लेकिन नहीं खुल रहा। उस बंदे ने सिमियन ने बोला था कि अंदर से चाबी मिलेगी, अब मुझे भाई अंदर जाना पड़ेगा। एंड यहीं से जाना है क्या भाई? चलते हैं यार अंदर, मुझे क्या है। अरे ये तो लॉक क्या है भाई, पीछे से जाना पड़ेगा अब घर के भी। यार ये क्या है, यहाँ से जाना है भाई? मुझे घर का रास्ता नहीं पता सही। ओ वेट अ सेकेंड, क्या यही गाड़ी है? नहीं ये वो वाली गाड़ी नहीं है, ये वो गाड़ी नहीं है। टू रिच भाई साहब मुझे ना इसके ऊपर जाना है, इस गाड़ी के ऊपर जंप करनी है। एंड जंप करने के बाद ऊपर जाना है। तो ये ओ भाई 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 कैसे जा रहा हूँ मैं? एक मिनट, अब मुझे आई थिंक सो यहाँ से ही अंदर जाना है। यार मैं चला गया अंदर, यस मैं अंदर आ चुका हूँ। ओ भाई 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 ड्राइव द कार। एक मिनट, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, जल्दी से भागना पड़ेगा। वेट क्या हुआ ये? द फैमिली वॉज अलर्टेड, मुझे पता था, मुझे पता था कि फैमिली अलर्ट हो ही चुकी होगी। अब जल्दी से भाई चलते हैं, अवॉइड अलर्टिंग। भाई कैसे पता चलेगा? एक मिनट भाई, यहाँ पे उसकी बेटी है शायद माइकल की। जल्दी 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 चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी कोई नहीं है सामने। चुपचाप आया अंदर एंड मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है। एंड मैं चुपचाप से ही गाड़ी जो है ना इनके निकाल ली है। एंड ब्रो वेट अ सेकेंड ब्रो, मुझे सिमियन ने बोला है कि भाई थोड़ा डेंट वेंट से बचाना। एंड इसी तरह से मुझे ना घर लेकर जानी है। एंड भाई मैं चुपचाप से गैराज में पहुंच चुका हूँ। एंड अब मुझे भाई सिमियन के डीलरशिप पे लेकर जानी है भगा भगा के, ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी, एंड सिमियन की कॉल भी आ रही है तो यार जल्दी से बात भी करता हूँ। लेकिन गाड़ी की हालत जो है ना वो तो मैं बहुत बुरी करके छोड़ूंगा, ये तो मुझे भी पता है। भाई साहब गाड़ी में ना, मैंने अभी नोटिस किया गाड़ी में माइकल बैठा हुआ है। एंड भाई मुझे पता भी नहीं था कि माइकल पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ था। एंड अब हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि भाई चुपचाप गाड़ी चला। एंड भाई इसने गन रखी हुई है। एंड हमें अभी भी सिमियन के शोरूम पे इस गाड़ी को लेकर जाना है। भाई चुपचाप माइकल गाड़ी में बैठा हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं था। एंड अब ये भाई गन रख के मेरे सर पे बोल रहे कि भाई चुपचाप लेकर चल, रुकना नहीं है। और अब भाई मुझे ये मार देगा अगर मैं रुकूंगा, करूं क्या समझ नहीं आ रही है। लेकिन भाई मुझे यही समझ आ रही है कि अब लेकर चलते हैं इसको सिमियन के शोरूम पे, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब होगा क्या समझ नहीं आ रही है। खैर मैं तो एक ही चीज़ पता है मुझे कि मैं भगा के लेकर जा सकता हूँ। और भाई माइकल आ गया यार, वो देखो उसने गन मेरे सर पे रखी हुई है अभी तक। और भाई मैं ड्राइविंग का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, होगा क्या मेरे साथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। एंड भाई मैं ठोका जा रहा हूँ इस माइकल की गाड़ी, अगर ये हमारी नहीं होगी गाड़ी तो माइकल की भी नहीं होने देंगे। एंड फटाफट से भाई सिमियन के शोरूम पे मैं पहुँचने वाला हूँ। भाई इस माइकल की तो गाड़ी नहीं होने दूंगा, आगे से बस भी आ रही है। बच बच के मैं पहुँच गया हूँ सिमियन के शोरूम पे। एंड भाई अभी कहाँ पार्क करनी है मुझे ये भी नहीं पता। खैर पहुँच तो गया हूँ मैं सिमियन के शोरूम पे। एंड ब्रो किधर है वो? रुक गया ब्रो, एक मिनट भाई ये मुझे मार देगा। अभी भाई मुझे ना भगा के अभी फिर लेकर जानी है। अभी माइकल थोड़ा ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी मुझे अब सिमियन के शोरूम के अंदर लेकर जानी है गाड़ी। एंड भाई माइकल भाई फुल तपा हुआ है इस वक्त, क्योंकि हम लोगों ने उसी के घर से उसी की गाड़ी जो है चुराई है। यानी चुराने का मतलब यही है कि भाई हम लोगों ने चुराई है। एंड अगर उसको पता होता तो भाई वो फिर भी हमें क्या पता गाड़ी तो नहीं देता, लेकिन उस वक्त और भी मारता। एंड अभी तो हम लोगों ने सीधी सीधी गाड़ी चुराई है। तो जल्दी से हम लोग ना इस गाड़ी को सिमियन के शोरूम के आगे लेकर चलते हैं, सामने वाली साइड पे, ठीक है? अभी हम लोग बैक साइड पे थे तो अभी हम लोग सामने वाली साइड पे इसको ले तो आए हैं। जल्दी जल्दी से भाई, मेरी ड्राइविंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मुझे पता है, तो अंदर जल्दी से ना मैं इसको ले चलता हूँ। एंड भाई मेरा सिमियन भी वेट कर ही रहा होगा। भाई मैं तो आ गया हूँ अंदर, अब क्या करूँ मैं? चलो यार इधर से मैं कंटिन्यू कर लूँगा अगली एपिसोड में, लेकिन भाई अभी मुझे समझ नहीं आ रही करूँ तो क्या करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।